पंजाब के लोगों के लिए आज बहुत बड़ी खबर है, खास तौर से जालंधर और आदमपुर के लिए, जहां से आज हिंडन एयरपोर्ट गाजियाबाद, जहां पे इस वक्त मैं मौजूद हूं, यहां से आज जालंधर के आदमपुर के लिए हवाई सेवा दोबारा शुरू होने जा रही है। कोरोना काल में इस सेवा को बंद कर देना पड़ा था। आज से एक कनेक्टिंग फ्लाइट जो बेंगलुरु से चलेगी और बेंगलुरु से नांदेड़ होते हुए हिंडन एयरपोर्ट गाजियाबाद होते हुए जालंधर पहुंचेगी। ये फ्लाइट जो है आज 31 मार्च के दिन की तारीख तय की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ही दिन पहले 115 करोड़ रुपए की लागत से वर्चुअली आदमपुर एयरपोर्ट के पुनरुद्धार का के लिए जो है जो ऐलान किया था, उसके बाद आज की तारीख तय की गई। और अभी हमने कई ऐसे लोग जो बाहर से भी आ रहे हैं, विदेशों से भी आ रहे हैं, उनसे बातचीत की। उनका कहना था कि ये आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, खासतौर से पंजाब और जालंधर के आसपास के लोगों के लिए, जिनका कहना है कि इस कनेक्टिविटी से उन्हें बहुत ही आसानी होगी। स्टार एयरलाइंस की तकरीबन 76 सीटर फ्लाइट है जिसकी सेवा आज से शुरू हो रही है। सर कोविड के टाइम में बंद हो गई थी, हाँ, उसके बाद आज से फिर आदमपुर के लिए शुरू हो रहा है। खासतौर से दोआब और पंजाब के लोगों के लिए कितनी बड़ी खबर है? बहुत सी, अभी एक ही एयरक्राफ्ट चल रहा है जी, और भी फ्लाइट होंगे तो बहुत अच्छा होगा, कनेक्टिविटी ईजी हो जाएगी। और हमारे लिए तो दिल्ली आना बहुत ईजी है, हम जानते रहते हैं जी, बहुत ईजी है। क्या नाम है सर? मैनुअल शर्मा। सर क्या क्या प्रोफेशन है आपको? मैं बिजनेस करता हूँ। अच्छा, तो ऐसे जो लोग जिनके लिए जालंधर से दिल्ली आना जाना, चाहे बिजनेस कम्युनिटी के हों, पॉलिटिकल लीडर्स हों या और भी लोग हों, तो उनके लिए हिंडन से जाना ज़्यादा आसान है या? देखो IGI तो कनेक्टिविटी है जी, बट जहाँ हमें सूट करता है हमें बहुत ईजी लगा। अभी कनेक्टिंग फ्लाइट है जो बेंगलुरु से चलेगी, नांदेड़ होते हुए यहाँ पहुँचेगी, फिर जालंधर जाएगी। डायरेक्ट फ्लाइट भी होनी चाहिए आने वाले टाइम में, आपको लगता है? होना तो चाहिए, ईजी है ट्रैवल। आज का ट्रैवल में टाइम और लगता है जी, हम तकरीबन बाहर से आ रहे हैं जी, रात आके रुकना पड़ा रिश्तेदारों के घर, 22 घंटे ट्रैवल करके आना। अच्छा, आप अब्रॉड से आ रहे हैं? या अमृतसर से कैच करनी पड़ती है या चंडीगढ़ से। अगर आदमपुर से स्टार्ट होगी तो बच्चों को बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा, दोस्त हुआ वर्किंग एंड स्टूडेंट्स एज वेल, एंड वी आर वेरी हैप्पी कि आदमपुर से फ्लाइट स्टार्ट हुई है जी। तो बस ये है कि थोड़ा कंफर्ट लेवल बढ़ा हमारा, हैसल्स बचती है। ऑल द वे ट्रैवलिंग फ्रॉम जालंधर टू दिल्ली इज वेरी स्ट्रेनुअस, तो इट विल बी वेरी कंफर्टेबल एंड वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। दिल्ली से तकरीबन 11:30 बजे के आसपास ये फ्लाइट चलेगी और 12:25 पे ये जालंधर के आदमपुर पहुंचेगी, और यहीं से फिर सिर्फ 12:50 पे ये वहां से निकलेगी और वापस फिर इसी रूट से जालंधर से दिल्ली, दिल्ली गाजियाबाद, गाजियाबाद से नांदेड़ और नांदेड़ से फिर बेंगलुरु तक 6:00 के आसपास पहुंचेगी। तो इस एयरपोर्ट पे आज काफ़ी लोग जो है, सेलिब्रिटी भी आ रहे हैं और काफ़ी आम लोग भी आ रहे हैं कि जिन्हें लगता है कि जालंधर के इस एयरपोर्ट के फिर से चालू होने के बाद काफ़ी लोगों को, आप देखिए मेरे पीछे भी बहुत लोग अब आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि फ्लाइट जैसे जैसे धीरे धीरे आने का समय नज़दीक हो रहा है, ये सब लोग जो है, इससे पहले भी एक परिवार से हमने बात की जो विदेश से आ रहे थे, जिनका कहना था कि पहले हमें अमृतसर जाना पड़ता था, कनेक्टिविटी की समस्या थी, अब सीधे आदमपुर के लिए एयरपोर्ट खोलने से काफ़ी राहत महसूस कर रहे हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं। आप लोग सर जालंधर के लिए जा रहे हैं? जालंधर के लिए आज से स्टार्ट हो रही है सर्विस, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितना होगा जी? मेरी फर्स्ट फ्लाइट है और मैं अपने कॉलेज जा रही हूँ, लवली प्रोफेशनल, और मेरे लिए बहुत इजी है क्योंकि हम लोग राजनगर एक्सटेंशन में रहते हैं जी। तो ये नियरेस्ट एयरपोर्ट मेरे लिए बहुत अच्छा होगा कि मेरे को यहीं से फ्लाइट सीधा होने के लिए। थैंक यू। तो ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो जिनके लिए बहुत आसान है, जो देश के अलग अलग कोनों से पंजाब में पढ़ने के लिए जाते हैं, वो आप देखिए किस तरह से जा रहे हैं। उनका कहना है कि कुल मिला जुला के कनेक्टिविटी का मामला है कि अगर कनेक्टिविटी अच्छी हो तो सबको फ़ायदा मिलता है, चाहे वो बिजनेस कम्युनिटी हो, स्टूडेंट्स हो, या फिर कोई पॉलिटिकल लीडर हो या आम आदमी हो, सबके लिए ये आसान है। और आज से
ये सर्विस शुरू हो रही है। इस वक्त हम दिल्ली के हिंडन एयरपोर्ट पे हैं और आपको इसी फ्लाइट से ले जाएंगे जलंधर तक, हम ले जाएंगे आदमपुर एयरपोर्ट तक ले जाएंगे और बताएंगे कि उस पूरी इस सफर में किस तरह से लोग इस पूरी सेवा को देख रहे हैं। कैमरन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।